नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि अभी की जो ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, कि हिमाचल प्रदेश में जो है एक दिन में 236 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और 6 कोरोना मरीजों की एक दिन में जो है मौत हुई है। तो कहाँ से कितने केस आए हैं और कहाँ के मरीजों की मौत हुई है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि हिमाचल में 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 236 नए पॉजिटिव मामले। तो हिमाचल प्रदेश में शनिवार को जो है 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है। मंडी ज़िले की जोगिंद्र नगर तहसील की क्षेत्र की जो है कोरोना पॉजिटिव 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने टांडा अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला को बीपी और शुगर की दिक्कत थी। वहीं कुल्लू ज़िले में कोरोना से चौथी मौत हो गई है। मिशन अस्पताल मनाली में इलाज के दौरान 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मृतक गुर्दे की बीमारी और उच्च रक्तचाप से पीड़ित था। जिला कोविड-19 अस्पताल धर्मशाला में ऊना जिले के अंब की हीरा नगर कॉलोनी के कोरोना पॉजिटिव 63 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मृतक को 17 सितंबर को सांस लेने में दिक्कत, बुखार और खांसी की शिकायत के बाद ऊना से धर्मशाला रेफर किया गया था। IGMC में रामपुर के 42 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हो गई। मौत के बाद व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। चंबा जिले में शनिवार को कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पांगी के 68 वर्षीय बुजुर्ग ने चंबा मेडिकल कॉलेज से धर्मशाला ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। ऊना में 80 साल की बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। प्रदेश के कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 114 पहुंच गया है। उधर शिमला में स्पेशल सेक्रेटरी स्वास्थ्य निपुण जिंदल का अचानक जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य RD धीमान ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। वहीं शनिवार को प्रदेश में 236 नए मामले आए हैं, जिसमें चंबा 16, शिमला 35, मंडी 40, कुल्लू 15, हमीरपुर 6, सोलन 46, लाहौल स्पीति 1, ऊना 6, कांगड़ा 43 और सिरमौर जिले में 28 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। शिमला जिले में ढली, IGMC, कुसुमपट्टी, नेरवा, चौपाल, कोटखाई, रामपुर, कृष्णनगर, समरहिल, खलेनी, जाखू, सिरमौर, रोहडू, मैली, संजौली, परिमहल, ननखड्डी, मलियाणा, बम्बलोई, आलट्रैक और चंबा से नए मामले आए हैं। सोलन जिले में शनिवार को 2 गर्भवती महिलाओं और 4 फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं समेत 32 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। ऊना जिले में डॉक्टर समेत 6 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। लाहौल में 1 अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है 11,908 पहुंच गया है और 4,308 एक्टिव मामले हैं, पॉजिटिव मामले हैं। 7,457 मरीज ठीक हो गए हैं और शनिवार को 403 मरीज जो है ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी की आज की ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़। 403 मरीज ठीक हुए हैं और 236 नए मरीज आए हैं और 6 की एक दिन में कोरोना से मौत हुई है। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें और अंकित वर्मा ऑल HP नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।